अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ सायरा फारूक और आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्ती एक वाइटनिंग क्रीम की रिव्यू करने वाली हूँ। और जो ये वाइटनिंग क्रीम है, ये बायो एक्वा की V7 डीप हाइड्रोजन वाइटनिंग क्रीम है। और इसके V7 के लोशन की मैं पहले भी यानी रिव्यू दे चुकी हूँ अपनी चैनल पर, और अब ये क्रीम लेके आई हूँ मैं। तो ये बायो एक्वा की बहुत ही ज़बरदस्त वाइटनिंग क्रीम है, और इसको ये लगाने से जो हमारी यानी स्किन जो होती है वो वाइट हो जाती है। और इस क्रीम को लगाने से हमारे जो होता है कि स्किन अपनी टोन से एक फेयर ज़्यादा दिखने लगती है। अच्छा, तो इस क्रीम की यानी 3 शेड हैं, एक तो ये वाइट में है, एक पीच कलर में और एक पर्पल कलर में। लेकिन ये वाइट और पीच कलर जो है वो ज़्यादा यानी वो इस्तेमाल करने में आती हैं। और इसको हम जैसे ये हमारी जो स्किन है ये बायो एक्वा की, ये ऐसी नहीं है कि आप इसको रेगुलर लगाएंगे तो ये आपकी स्किन को यानी वाइट करना शुरू कर देगी। यानी जिस तरह की आजकल जो क्रीमें चल रही हैं फार्मूले वाली, ये उस तरह की नहीं है। आप इसको एक फैनिस क्रीम की तरह या जैसे बीबी या सीसी क्रीम होती है जैसे हम ये इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से हम इसको इस्तेमाल करते हैं एज आ इसको हम बेस के तौर पे। ये एक बेस यानी जिस तरह हम बेस लगाते हैं ना, बेस लगाने से हमारा जो कलर होता है स्किन का उससे एक दो टोन यानी फेयर हो जाता है बेस से, तो इसी तरह ये क्रीम है। जब हम इस क्रीम को लगाते हैं तो हमारी स्किन अपनी टोन अपनी स्किन की टोन से एक फेयर हो टोन फेयर हो जाती है। तो आप इसको डेली रूज सब में अपने इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह यानी मुंह धो के लगा लें, रात को सोते हुए लगा लें। तो ये एक यानी मॉइस्चराइजिंग क्रीम की तरह भी है। आप इसको यानी लगा के धूप में तो नहीं जा सकते, क्योंकि धूप में जाएंगे तो जो जिसे लगा के जाते हैं तो उससे ना हमारी जो क्रीम होती है ना बहुत ज़्यादा यानी डल होने लगती है। आप इसको रेगुलर इस्तेमाल यानी घर में ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। और गाइस, मैं अब आपको इसको लगा के दिखाती हूँ कि ये किस तरह हमारी स्किन को यानी वाइट करता है। और ये देखें, ये इसका टेक्स्चर है, बहुत ही फाइन, ये देखें बहुत ही फाइन सा। अब इसको मैं लगा के दिखाती हूँ और बहुत ही आसानी से ये हमारी स्किन के अंदर जब्स हो जाता है, बिल्कुल जैसे हमारी ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम होती है ना इस तरह से। और ये देखें, आप देख सकते हैं बिल्कुल जब्स हो गई है स्किन, और किस तरह इसने हमारी स्किन को यानी वाइट किया है। और ये देखें हाथ मेरा, और ये दूसरा हाथ देखें, ये देखें ये हाथ देखें मेरा और इस हाथ को देखें, यानी इसने हमारी स्किन को वाइट भी किया है और जो हमारी स्किन के अंदर थोड़े बहुत जो दाग धब्बे थे ना वो भी कवर कर लिए अच्छी तरह से, दिख रहा होगा आपको अच्छी तरह से। और ये देखें हाथ के अंदर थोड़ा फर्क आपको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि मेरा खुद हाथ का रंग फियर है ना थोड़ा, तो इसने थोड़ा फ़र्क नज़र आ रहा है, ज़्यादा नहीं। तो गाइस, आप इसको लाजमी लेके आए, इस्तेमाल करें तो आपको बहुत पसंद आएगी ये क्रीम। ये जो है ये जैपनीज़ क्रीम है, और आप देख सकते हैं इसके यहाँ पर ये जो जैपनीज़ के अंदर इसकी यानी लिखाई हुई भी है। और इसके लोशन भी बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इसको लगाएं, इससे आपकी स्किन वाइट भी होगी, आपकी स्किन के ऊपर जो दाग धब्बे हैं वो भी यानी कम होंगे, इससे आपकी स्किन ज़्यादा बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी, बहुत खूबसूरत यानी इस क्रीम लगाने से हमारा चेहरा बहुत ही प्यारा खूबसूरत लगता है। तो गाइस, आपको और ये जो है अब पहले, क्योंकि ये हमको जब ऑर्डर देके मंगाते थे बायो एक्वा के से वहाँ से ही मंगाते थे, लेकिन अब जो ज़्यादा ये है कि चलने लगी है, मशहूर हो गई है क्रीम, तो ये आपको बासानी अपने शॉप ये मेकअप शॉप की दुकान पे से मिल जाती है या मेडिकल स्टोर होते हैं वहाँ से भी आपको मिल जाएगी। जब मैं ये क्रीम मंगाई थी आज से 6-7 महीने पहले तो ये 450 रुपये की मिलेगी, अब इस 500 या 550 तक में आपको मिल जाएगी। तो आप इसको यूज़ करेंगे तो करेंगे आपको वो कहेंगे, बाकी में बहुत ही ज़बरदस्त ये क्रीम है। तो गाइस, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है इस क्रीम की रिव्यू करने की, तो मेरे को आप कमेंट्स करके बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और प्लीज़ आप पूरी वीडियो देखा करें, वीडियो को स्किप मत किया करें, क्योंकि स्किप करने से हमारा जो वॉच टाइम होता है वो कम्प्लीट नहीं होता। इसलिए आप पूरी वीडियो देखेंगे तो हमारा जो वॉच टाइम है पूरा कम्प्लीट होगा। तो प्लीज़ आप मेरी चैनल की बहुत ज़्यादा यानी हेल्प करें तो आपका बहुत बहुत मेहरबानी होगी। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में कोई और दूसरी क्रीम की रिव्यू लेके। अल्लाह हाफिज़।